दोस्तों आजकल ज़्यादातर फ़ोन में आपको ड्यूल रियर कैमरे के सेटअप देखने मिलते हैं, और अगर आपको भी एक ऐसा ही बेस्ट कैमरा सेंट्रिक फ़ोन परचेस करना है जिसमें आपका बजट 10,000 रुपये तक का है, तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को 7 ऐसे ही बेस्ट ड्यूल रियर कैमरे वाले फ़ोन्स बताऊंगा जो कि आपको अंडर 9,000 रुपीज़ में आराम से मिल जाएंगे, जिनको परचेस करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप जो है कोई भी स्मार्टफोन को बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लोग जो है एंड तक देखते रहिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों वीडियो को बिना किसी देरी करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों सातवें नंबर पे आता है शाओमी का रेडमी 6 स्मार्टफोन जो कि आपको 8,500 रुपये में मिलेगा। रेडमी 6 में आपको जो है ब्रश्ड मेटेलिक फिनिशिंग डिजाइन के साथ 5.45 इंच का HD प्लस फुल व्यू डिस्प्ले मिलता है। 2 GHz में ऑक्टाकोर मीडियाटेक का हीलियो P22 का प्रोसेसर दिया गया है जो कि एंड्रॉयड के ऑडियो के साथ आता है। 3 GB का रैम दिया गया है, 64 GB का इंटरनल स्टोरेज मिलता है जिसको आप चाहे तो डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट के थ्रू एक्सपेंडेबल भी कर सकते हैं। 12+5 MP का आपको इसमें ड्यूल रियर कैमरा का सेटअप मिलता है जिसमें आपको PDF HDR के साथ LED फ्लैश दिया गया है। वही 5 MP का आपको इसमें फ्रंट कैमरा दिया गया है जिसमें आपको कैमरे में AI बेस्ड कई सारे फीचर देखने मिलते हैं। फ़ोन में आपको 3000mAh की बैटरी के साथ फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक का फीचर मिलता है। दोस्तों 6 नंबर पे आता है सैमसंग का गैलेक्सी M10 स्मार्टफोन जो कि आपको 9,000 रुपीज़ में मिलेगा। सैमसंग गैलेक्सी M10 में आपको जो है 6.2 इंच का HD प्लस इन्फिनिटी वी डिस्प्ले मिलता है। 1.6 GHz में ऑक्टाकोर एक्जिनोस का प्रोसेसर दिया गया है जो कि एंड्रॉयड के ऑरियो के साथ आता है। 3 GB का रैम मिलता है 32 GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ जिसको आप चाहे तो मेमोरी कार्ड से बढ़ा भी सकते हैं। 13+5 MP का आपको इसमें ड्यूल रियर कैमरा का सेटअप मिलता है एपर्चर F1.9 एंड वाइड एंगल सेंसर के साथ। तो 5 MP का आपको इसमें फ्रंट कैमरा दिया गया है। कैमरे में आपको पोर्ट्रेट मोड मिलते हैं। 3400mAh की बैटरी के साथ आपको इसमें फेस अनलॉक का फीचर दिया गया है। 5वें नंबर पे आता है रियलमी C1 स्मार्टफोन जो कि आपको 8,500 रुपये में मिलेगा। रियलमी C1 में आपको जो है ग्लॉसी डिज़ाइन के साथ 6.2 इंच का HD प्लस फुल व्यू नॉच डिस्प्ले मिलता है। 1.8 GHz में ऑक्टाकोर स्नैपड्रैगन का 450 का प्रोसेसर दिया गया है जो कि एंड्रॉयड के ऑरियो के साथ आता है। 3 GB का रैम दिया गया है 32 GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ जिसमें आपको डेडिकेटेड SD कार्ड का स्लॉट भी मिलता है। 13+2 MP का आपको इसमें ड्यूल रियर कैमरा का सेटअप मिलता है जिसमें आपको LED फ्लैश के साथ PDF और HDR दिया गया है। वही 5 MP का आपको इसमें फ्रंट कैमरा मिलता है और कैमरे में आपको AI बेस्ड कई सारे फीचर देखने मिलते हैं। 4230mAh की बैटरी के साथ आपको फ़ोन में फेस अनलॉक का फीचर भी मिलता है। 4th नंबर पे आता है आसूस का जेनफोन मैक्स M2 जो कि आपको 9,000 रुपीज़ में मिलेगा। आसूस जेनफोन मैक्स M2 में आपको जो है 6.3 इंच का HD प्लस फुल व्यू नॉच डिस्प्ले मिलता है। 1.8 GHz में ऑक्टाकोर स्नैपड्रैगन का 632 का प्रोसेसर दिया गया है जो कि एंड्रॉयड के ऑडियो के साथ आता है। 3 GB का रैम दिया गया है 32 GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ जिसको आप चाहे तो मेमोरी कार्ड से बढ़ा भी सकते हैं। 13+2 MP का आपको इसमें ड्यूल रियर कैमरा का सेटअप मिलता है एपर्चर F1.8 के साथ। तो 8 MP का आपको इसमें फ्रंट कैमरा दिया गया है। कैमरे में आपको EIS पोर्ट्रेट मोड और LED फ्लैश मिलते हैं। 4000mAh की बैटरी के साथ फ़ोन में आपको फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। 3rd नंबर पे आता है Honor 9N स्मार्टफोन जो कि आपको 9,000 रुपीज़ में मिल जाएगा। Honor 9N में आपको जो है ग्लॉसी डिज़ाइन के साथ 5.8 इंच का फुल HD प्लस फुल व्यू नॉच डिस्प्ले मिलता है। 1.7 GHz में ऑक्टाकोर हाई सिलिकन किरिन 659 का प्रोसेसर मिलता है जो कि एंड्रॉयड के ऑडियो के साथ आता है। 3 GB का रैम दिया गया है 32 GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ जिसको आप चाहे तो बढ़ा भी सकते हैं। 13+2 MP का आपको इसमें ड्यूल रियर कैमरा का सेटअप मिलता है। तो 16 MP का आपको इसमें फ्रंट कैमरा दिया गया है। कैमरे में आपको PDF, HDR और पोर्ट्रेट मोड मिलते हैं। 3000mAh की बैटरी के साथ फ़ोन में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक का फीचर मिलता है। 2nd नंबर पे आता है Xiaomi का Redmi 6 Pro स्मार्टफोन जो कि आपको 9,000 रुपीज़ में मिल जाएगा। Xiaomi Redmi 6 Pro में आपको जो है मेटल बॉडी डिज़ाइन के साथ 5.8 इंच का फुल HD प्लस फुल व्यू नॉच डिस्प्ले मिलता है। 2 GHz में ऑक्टाकोर स्नैपड्रैगन का 625 का प्रोसेसर दिया गया है जो कि एंड्रॉयड के ऑडियो के साथ आता है।
3GB का रैम दिया गया है 32GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ, जिसको आप चाहे तो मेमोरी कार्ड से बढ़ा भी सकते हैं। 12+5 मेगापिक्सल का आपको इसमें ड्यूल रियर कैमरा का सेटअप मिलता है, जिसमें आपको PDF, HDR और AI बेस्ड कई सारे फीचर देखने मिलते हैं। वही 5 मेगापिक्सल का आपको इसमें फ्रंट कैमरा दिया गया है, जिसमें आपको फेस ब्यूटिफिकेशन मोड, पोर्ट्रेट मोड मिलते हैं। 4000mAh की बैटरी के साथ फोन में आपको फेस अनलॉक एंड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। दोस्तों, मेरी लिस्ट में फर्स्ट नंबर पे आता है आसूस का जेनफोन मैक्स प्रो M1, जो कि आपको 8500 रुपये में मिल जाएगा। आसूस जेनफोन मैक्स प्रो M1 में आपको जो है प्रीमियम डिजाइन के साथ 6 इंच का फुल HD प्लस फुल व्यू डिस्प्ले मिलता है। 1.8GHz में ऑक्टाकोर स्नैपड्रैगन का 636 का प्रोसेसर दिया गया है, जो कि एंड्रॉयड के ऑरियो के साथ आता है। ये प्रोसेसर पावरफुल और बैटरी एफिशिएंट प्रोसेसर है, जिसमें आपको जो है 3GB का रैम मिलता है 32GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ, जिसको आप चाहे तो मेमोरी कार्ड से एक्सपेंडेबल भी कर सकते हैं। फ़ोन में आपको 12+5 मेगापिक्सल का ड्यूल रियर कैमरा का सेटअप मिलता है। कैमरे में आपको PDF, HDR के साथ AI बेस्ड फीचर मिलते हैं। वही फ़ोन में आपको 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है, जिसमें आपको LED फ्लैश के साथ फेस ब्यूटिफिकेशन मोड दिए गए हैं। फ़ोन में आपको 5000mAh की मैसिव बैटरी के साथ फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक का फीचर मिलता है। तो दोस्तों, मेरी लिस्ट में बताए हुए 7 स्मार्टफोन आपको कैसे लगे, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपका कोई भी सजेशन रहेगा फ़ोन के लिए, तो वो भी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो दोस्तों, आज का इन्फॉर्मेशनल वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूले। और ऐसी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल ADTech को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय फ्रेंड्स।